भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ क्रिकेट को धर्म और क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और अगर बात की जाए इस खेल के कैप्टन की, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि उसके ऊपर पूरे देश का कितना दबाव होता होगा। लेकिन आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, उनके डिसीजंस की तो दांत देनी होगी, जिन्होंने इतने दबाव के बाद भी अपनी कप्तानी से भारत को T20 वर्ल्ड कप और वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी जीतें दिलाई हैं जो कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक सपना सा लगने लगा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिनकी अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम तीनों फॉर्मेट्स में नंबर एक का ताज हासिल कर चुकी है। दोस्तों, उन्होंने क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि हर भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट को चाहने वाला उन पर गर्व करता है। यहां तक कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का कहना है कि धोनी दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान हैं। मुझे खुशी है कि वे मेरे खेलते समय मेरे कप्तान रह चुके हैं। तो दोस्तों, आइए भारतीय टीम की नई किस्मत लिखने वाले कैप्टन कूल के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को बिहार के रांची शहर में हुआ था, जो कि अब झारखंड राज्य में है। उनके पिता का नाम पान सिंह और मां का नाम देवकी है। वैसे तो धोनी का होम टाउन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लावली नाम के एक गांव में है, लेकिन उनके पिता पान सिंह की जॉब मैकोन कंपनी में जूनियर मैनेजमेंट ग्रुप में लग गई, जिसकी वजह से उन्हें पूरे परिवार के साथ रांची में शिफ्ट होना पड़ा। धोनी के साथ ही साथ उनकी एक बहन है जिसका नाम जयंती है और एक भाई भी है जिसका नाम नरेंद्र है। धोनी ने अपनी शुरू की पढ़ाई DAV जवाहर विद्यालय मंदिर श्यामली रांची से की थी। MS भले ही आज सफल क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन बचपन में उन्हें बैडमिंटन और फुटबॉल का बहुत शौक था, और उस समय तक शायद क्रिकेट का उन्होंने कभी कुछ ज्यादा सोचा नहीं था। फुटबॉल की बात करें तो वह इस खेल में इतने अच्छे थे कि छोटी उम्र में ही उन्हें डिस्ट्रिक्ट और क्लब लेवल पर मैचेस खेलना स्टार्ट कर दिया था। वह अपनी फुटबॉल टीम में एज अ गोलकीपर खेलते थे। उनका गोलकीपर के तौर पर अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए फुटबॉल टीम के कोच ने उन्हें क्रिकेट में हाथ आजमाने के लिए भेजा। हालांकि धोनी ने उससे पहले कभी क्रिकेट नहीं खेला था, फिर भी उन्होंने अपने विकेट कीपिंग से सबको बहुत प्रभावित किया और कमांडो क्रिकेट क्लब के रेगुलर विकेट कीपर बन गए। क्रिकेट क्लब में उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 1997-98 के दौरान विनू माकन ट्रॉफी U16 चैंपियनशिप के लिए चुना गया, जहां उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। धोनी सचिन तेंदुलकर और एडम गिलक्रिस्ट के बहुत बड़े फैन थे। वह अपने शुरुआती दिनों में लंबे लंबे बाल रखा करते थे, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम बहुत पसंद थे और वह उन्हीं की तरह दिखना चाहते थे। जॉन की तरह ही धोनी को भी तेज रफ्तार से बाइक और कार चलाने का शौक है, और आज भी जब भी कभी धोनी को टाइम मिलता है तो वह अपनी फेवरेट बाइक से घूमने निकल जाते हैं। क्लास 10 तक उन्होंने एक साधारण तरीके से क्रिकेट खेला, क्योंकि उस समय तक उन्हें खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना होता था, और फिर 10th के बाद से वह क्रिकेट को ज्यादा टाइम देने लगे थे। लेकिन उसी बीच उन्होंने रेलवे में TT के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया और वह उसमें सेलेक्ट हो गए। उसके बाद धोनी साउथ रेलवे के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर 2001 से 2003 तक एज अ TT काम किया। MS के साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि वह एक नेक दिल इंसान थे और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया करते थे। दोस्तों, धोनी हमेशा उनकी शरारती हरकतों के लिए जाने जाते हैं।
एक बार की बात है, जब धोनी रेलवे के क्वार्टर पर रह रहे थे, तभी वह अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद को सफ़ेद कंबल में पूरी तरह ढक लिया और देर रात तक अपने कॉलोनी में घूमते रहे। वहां का पहरेदार और कुछ और लोगों ने लंबे बाल और पूरी तरह सफ़ेद कपड़े में ढका हुआ उन्हें देखा और डर कर वहां से भाग निकले। लोगों को यहां तक यकीन हो गया था कि कॉलोनी में कोई भूत घूम रहा है। उनकी इस शरारत से लोग बहुत डर गए थे और अगले दिन यह एक बड़ी खबर बन गई थी। वह रेलवे में नौकरी के साथ ही साथ 2000 से 2003 तक रणजी ट्रॉफी का हिस्सा बने रहे। धीरे धीरे क्रिकेट की तरफ उनका पागलपन इतना बढ़ गया कि उनका काम से मन हटने लगा और उन्होंने क्रिकेट में पूरी तरह से अपना कैरियर बनाने का सोच लिया। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि वह नेशनल क्रिकेट टीम में कैसे सेलेक्ट हुए। तो दोस्तों बता दूं कि BCCI की एक टीम होती है जो छोटे शहरों से सबसे अच्छे टैलेंट्स को खोजने का काम करती है, और उसी टीम में से प्रकाश पोडार की नज़र धोनी के अद्भुत खेल पर पड़ी और उन्होंने धोनी को नेशनल लेवल पर खेलने के लिए सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों बता दूं कि प्रकाश पोडार बंगाल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। MS धोनी को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 2003 में उन्हें इंडिया ए टीम के लिए चुना गया और वो ट्राई सीरीज खेलने के लिए केनिया गए, जहां पाकिस्तान की टीम भी आई हुई थी। इस सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें पाकिस्तान के 223 रनों का पीछा करते हुए उस मैच में उन्होंने अर्धशतक बनाया और भारतीय टीम को मैच जीतने में हेल्प की। अपने परफॉर्मेंस को और मजबूत करते हुए धोनी ने इसी टूर्नामेंट में 120 और 119 रन बनाकर 2 शतक पूरे किए। यहां पर धोनी ने कुल 7 मैचों में 362 रन बनाए थे। तभी धोनी के शानदार परफॉर्मेंस पर उस समय के कैप्टन सौरभ गांगुली का ध्यान गया और साथ ही साथ भारत ए टीम के कोच संदीप पाटिल ने विकेटकीपर और बल्लेबाज के तौर पर भारतीय क्रिकेट में जगह के लिए धोनी की सिफारिश की। भारतीय क्रिकेट में उस समय पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक जैसे विकेटकीपर का ऑप्शन था और यह दोनों ही टेस्ट अंडर 19 के कैप्टन भी रह चुके थे, लेकिन धोनी ने तब तक अपने खेल के दम पर एक अद्भुत पहचान भारत ए टीम में बना ली थी। इसी वजह से उन्हें 2004-05 में बांग्लादेश दौरे के लिए वनडे टीम में चुन लिया गया। धोनी की एक दिवसीय कैरियर की शुरुआत बेहद ही खराब रही और वह अपने पहले ही मैच में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 0 रन पर आउट हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना होने के बावजूद भी वे पाकिस्तान के खिलाफ वनडे टीम के लिए चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी के बल्ले की गूंज तब सुनाई दी जब अपने 5वें ही मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक ठोककर भारत को जीत दिला दी। उस मैच में धोनी ने 123 गेंदों पर शानदार 148 रनों की पारी खेली थी। यह किसी भी विकेटकीपर बैट्समैन के तौर पर हाईएस्ट स्कोर था। उसके बाद भी उन्होंने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और टीम में अपनी मजबूत जगह बना ली। 2007 में जब राहुल द्रविड़ ने टेस्ट और वनडे कैप्टेंसी से इस्तीफा दे दिया और सचिन तेंदुलकर को टीम का कैप्टन बनने के लिए कहा जाने लगा, तो सचिन ने विनम्रता से मना कर दिया और धोनी को कैप्टन बनाने के लिए कहा, जिससे बोर्ड के मेंबर्स भी सहमत हो गए और धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट के कैप्टन बन गए। उसके बाद से धोनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऐसी कप्तानी की कि 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम किया और फिर 2011 में वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लिया। दोस्तों भारतीय टीम को एक अच्छा कैप्टन के तौर पर कपिल देव, अजरुद्दीन और गांगुली के बाद अगर कोई मिला वो थे महेंद्र सिंह धोनी। अगर धोनी के पर्सनल लाइफ की बात की जाए
तो उन्होंने 4 जुलाई 2010 को साक्षी से शादी की और 6 फरवरी 2015 को उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम जीवा रखा। दोस्तों धोनी को 2008 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। धोनी पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्हें यह सम्मान मिला। इसके अलावा धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों उनकी कप्तानी में भारत ने 28 साल बाद एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में दोबारा जीत हासिल की। दोस्तों 30 दिसंबर 2014 को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया था। उसके बाद 4 जनवरी 2017 को वनडे और टी20 की कप्तानी भी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते रहेंगे। दोस्तों धोनी की कप्तानी में टीम में कभी भी विवाद नहीं होता है क्योंकि वो अपने शांत सोच से टीम में एकता बनाए रखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ना केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी बल्कि एक बेहतर इंसान भी है, जो कभी मैच की जीत का श्रेय खुद को नहीं मानते हैं बल्कि पूरी टीम को इसका श्रेय देते हैं, जिसके कारण टीम के सभी खिलाड़ी भी उनका सम्मान करते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।